नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, इनका टेन्योर था साल 1836 से 1842 तक और इनको भारत का मोस्ट डिजास्ट्रस गवर्नर जनरल बोला गया। पर ऐसा क्या कांड कर दिया था भाई इन्होंने, आइए समझते हैं। अब जब लॉर्ड ऑकलैंड टेन्योर में आए, उससे पहले क्या बैकग्राउंड चल रहा था वो समझना होगा, और उसके लिए हमको समझना होगा द ग्रेट गेम दैट वाज प्लेड बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड रशिया, द टू सुपर पावर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। रशिया और ब्रिटिशर्स में ये होड़ लगी थी कि कौन सेंट्रल एशिया पे अपना प्रेजेंस जमाएगा। इस वजह से दोनों देश की नजरें गईं अफगानिस्तान की धरती पर। अब आपको मैप में दिख रहा होगा कि सेंट्रल एशिया में स्ट्रांग होल्ड बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कैसे ना कैसे करके अफगानिस्तान को कैप्चर किया जाए। अब इस दौरान क्या हुआ कि रशिया ने पर्शिया पे अपना कंट्रोल कर लिया था। अब ये डेवलपमेंट देख के लॉर्ड ऑकलैंड को ये लगा कि कहीं रशिया अपना प्रेजेंस अफगानिस्तान में भी ना बना ले और फिर अफगानिस्तान के थ्रू कहीं इंडिया पे अटैक ना कर दे। तो ये सोच के लॉर्ड ऑकलैंड को ये लगा कि अफगानिस्तान के लीडर से दोस्ती करनी पड़ेगी, और यही मंशा लेके लॉर्ड ऑकलैंड ने बात करी दोस्त मोहम्मद खान से, जो उस वक्त अफगानिस्तान के आमिर थे। अब दोस्त मोहम्मद खान की भी हालत बड़ी खराब थी, और उनकी खराब हालत के रीजन थे महाराजा रंजीत सिंह जी, जिन्होंने पेशावर को अपने कंट्रोल में कर लिया था इन द ईयर 1834, और वो लगातार दोस्त मोहम्मद खान पर अटैक भी करते थे। अब जब लॉर्ड ऑकलैंड ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया टुवर्ड्स दोस्त मोहम्मद, तो दोस्त मोहम्मद भी इस अलायंस के लिए रेडी थे, पर उनकी एक शर्त थी, और वो शर्त ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्त मोहम्मद खान को पेशावर लौटा दे, जो रंजीत सिंह के कंट्रोल में था उस वक्त। अब लॉर्ड ऑकलैंड ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि ब्रिटिश और रंजीत सिंह में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी इन द ईयर 1809, जिसमें यह प्रोविजन था कि रंजीत सिंह अपनी टेरिटरीज को बढ़ा सकते हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ सतलज रिवर, और ऐसा करने से ब्रिटिशर्स उन्हें नहीं रोक सकते हैं। इस वजह से लॉर्ड ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद खान की कंडीशन नहीं मानी, और ये जो फ्रेंडली अलायंस बनने की कोशिश थी ऑकलैंड की, वो पूरी ना हो सकी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी से अलायंस ना हो पाया, तो दोस्त मोहम्मद खान पहुंचे रशिया के पास मदद के लिए, और ये डेवलपमेंट देख के लॉर्ड ऑकलैंड अलर्ट हो गए, और उन्हें लगा कि कहीं रशिया अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लिया तो फिर रशिया का अगला टारगेट इंडिया हो सकता है, जो उस वक्त ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो ये चीज ना हो, इसलिए लॉर्ड ऑकलैंड ने ये डिसाइड किया कि वो अफगानिस्तान पे अटैक करेंगे। पर भाई, अटैक करने का कोई रीजन भी तो चाहिए होगा ना, और वो रीजन बना शाह शुजा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाह रही थी कि कैसे ना कैसे करके एक पपेट गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आ जाए, ताकि वहां पे ब्रिटिश पूरा कंट्रोल कर सके, और वो पपेट था शाह शुजा। इस वजह से एक ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन हुई बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह शुजा और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में, और इस ट्रीटी के बाद शुरुआत होती है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की। अब ये वॉर के दौरान दोस्त मोहम्मद खान को डीथ्रोन कर दिया गया और उनकी जगह शाह शुजा को गद्दी पे बैठा दिया गया। अब जब शाह शुजा गद्दी पे बैठे, तो उनकी ट्रीटी के सभी अग्रीमेंट्स मान्य थे, जो कि थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल कंट्रोल द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अफगानिस्तान, रंजीत सिंह क्लेम ऑन राइट बैंक ऑफ इंडस वॉज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय शाह शुजा, और ये सभी चीजें शाह शुजा ने मान भी ली क्योंकि उनको तो बस राजा बनने से मतलब था। और जब ये हुआ, तो रंजीत सिंह की फोर्सेस अफगानिस्तान से चली गई और कुछ ब्रिटिश फोर्सेस अफगानिस्तान में रुकी, बाकी सारी कंपनी की फोर्सेस वापस लौट गई। अब आप लोग को लग रहा होगा कि पिक्चर खत्म, पैसा हजम, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अफगानिस्तान की आम जनता को शाह शुजा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, और साथ ही में अफगान के लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि ब्रिटिश फोर्सेस उनकी धरती पर क्या कर रहे हैं, जिस वजह से उनके अंदर गुस्सा आ रहा था। समझ लीजिए कि एक अफगान नेशनलिज्म की आधी चलने लगी अगेंस्ट शाह शुजा, और अफगान ट्राइबल चीफ्स और अफगान की आम जनता ने कर दिया रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के दौरान अफगान्स ने ब्रिटिश कैंप पे अटैक किए, हजारों ब्रिटिश सोल्जर्स भी मारे गए, और ये सब देखकर शाह शुजा अफगानिस्तान से भाग गए, और एट लास्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को साल 1841 में अफगान ट्राइबल चीफ्स के साथ ट्रीटी साइन करनी पड़ी और दोस्त मोहम्मद खान को वापस गद्दी पे बैठाना पड़ा। कंक्लूजन ये बना कि लॉर्ड ऑकलैंड की अफगान पॉलिसी की वजह से फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिशर्स की बुरी हार हुई, करोड़ों रुपए भी खर्च हुए, हजारों सैनिकों की जान भी गई, और बदले में कुछ भी नहीं मिला ब्रिटिशर्स को। सो इस वजह से लॉर्ड ऑकलैंड की बड़ी बेइज्जती हुई और तुरंत उनको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया,
और उनके हाथों पे लिख दिया गया द मोस्ट डिजास्ट्रस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये थी पूरी कहानी लॉर्ड ऑकलैंड की। उम्मीद है आपको ये सभी वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे। आप अपने कोई भी डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।